जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जो मंत्र में। तो दोस्तों, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भूलेगा, क्योंकि शिक्षा, रोजगार और किसान भाइयों और गरीबों के लिए कोई भी योजना आती है तो आपके लिए सबसे पहले लेकर आते हैं। आज अब मोदी सरकार ने बहुत बड़ी घोषणा की, कामगारों को केंद्र सरकार की सौगात, न्यूनतम वेतन 18,000 करने की घोषणा की है। ये पूरी कोई भी चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट, सारे विभागों में लागू होने वाला है। और अस्थायी कर्मचारियों पर मेन तौर पे, क्योंकि स्थायी कर्मचारियों के लिए तो सातवें पे कमीशन में ये लागू हो चुका था, लेकिन अभी अस्थायी कर्मचारियों के लिए लागू नहीं होगा। इसके लिए बहुत बड़ी मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए घोषणा कर सकते हैं। पूरा न्यूज़ में इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल पूरा देखिएगा तभी आपके समझ में आ पाएगा। अगर आप अस्थायी कर्मचारी हो, कहीं भी कोई भी डिपार्टमेंट कोई भी कंपनी में अगर जॉब करते हो तो आपके लिए अच्छी खबर है। मिनिमम आपका पेमेंट होगा तो 18,000 रुपये होगा और 8 घंटे तो आपको पता होगा आपका वर्किंग आवर होता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। न्यूनतम वेतन को लेकर सड़कों पर उतरे कामगार, बारिश में निकली रैली, देख सकते हो आप हमीरपुर ये की न्यूज है। हमीरपुर में कामगारों को न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये मासिक प्रदान करने के लिए भारतीय मजदूर संघ के वीरवार को रैली निकालकर रोष प्रदर्शन किया। श्रमिक हितों को शक्ति में लागू न करने पर मजदूर नेता ने नाराज दिखे। बता दें कि बारिश के बावजूद धरने पे कई संख्या में महिलाओं ने भी भाग लिया। इसके बाद कामगार उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और डीसी के माध्यम से प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष बीसी शर्मा ने कहा कि ठेकेदारी प्रथा को तुरंत प्रभाव से समाप्त किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी युवाओं को न्यूनतम मासिक वेतन 18,000 रुपये लागू करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह अपनी मांगों को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से आवाज़ उठाते रहेंगे। भारतीय मजदूर संघ हमेशा राष्ट्रवादी ताकतों के साथ है और तथा इस मांग को लेकर लोकसभा चुनाव का बहिष्कार नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। ऐसी योजना मोदी सरकार ला सकती है लोकसभा चुनाव से पहले, क्योंकि मध्यम वर्ग को और गरीबों को अगर आपको मोदी सरकार को साथ में लेना होगा तो कोई बड़ी योजना लानी होगी। वो तो मोदी सरकार ही कामगारों के लिए न्यूनतम वेतन योजना ला सकती है। इससे रिलेटेड कोई भी न्यूज़, कोई भी अपडेट होगा तो मैं आपके लिए सबसे पहले कहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलेगा। तो दोस्तों, ये था न्यूज। जय हिंद, जय भारत।